मंदिर निर्माण के लिए लगातार 1990 से पत्थरों की खेप अयोध्या आ रही है और इन पत्थरों को यहाँ की कार्यशाला में एकत्रित किया जा रहा है, जहाँ पर नक्काशी होने के बाद उनको यथा स्थान पर सुसज्जित कर दिया जा रहा है। विगत दो दिन पूर्व जो है बंसी पहाड़पुर के भरतपुर से जो है दो ट्रक पत्थर आए जो कच्चे हैं और उन पर जो है नक्काशी होना है। वह पत्थर जो है यहाँ की कार्यशाला में रखे गए हैं और हम सबको विश्वास है कि अनुकूल परिस्थिति है और मंदिर निर्माण का मार्ग भी प्रशस्त होगा। सबसे पहले तो ये है कि पत्थर लाएं, कहीं भी लाएं, ऐसे क्या नहीं लगना है। हजारों पत्थर आते हैं अयोध्या में लोग, लेकिन जो डिस्प्यूटेड लैंड है, जो गवर्नमेंट एक्वायर लैंड है जिसमें 17 एकड़, उसमें अगर ये कुछ करेंगे तो मैं उसका जवाब दूँ। ऐसे तो लोग आते जाते हैं, पत्थर लाते हैं, हम भी अपने घर के लिए नए बनाने लिए, उससे हमें कोई एतराज़ नहीं है। अब सवाल ये है कि बिहेव भाई, सेंटर में उनकी हुकूमत है, यूपी में है, लेकिन कानून को थोड़ी छाट जाएंगे। अदालिया इंसाफ करेगी, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से अगर जब तक सुप्रीम कोर्ट में केस है तब तक मैं कुछ कुछ कह नहीं सकता। अगर सुप्रीम कोर्ट कहती है कि तुम मंदिर बनाओ, तुम मस्जिद बनाओ, उसका सवाल उठेगा। लेकिन आदमी कहने के लिए तो बहुत कुछ कहता है, जैसे बरसात आती है बड़े बड़े बूंदे पड़ते हैं और सुबह ख़त्म हो जाते हैं, वैसे ये लोग हैं। ये लोग सिर्फ धंधा खोल के बैठते हैं, पत्थर उत्थर गिराते हैं, उनका रोजी रोटी चले, उनकी दुकान चले और कुछ है नहीं। ये फालतू प्रलाप कर रहे हैं, इसमें यह आडंबर के तौर पर है, इसमें कोई सत्यता नहीं है। जब तक आदरणीय श्री प्रधानमंत्री जी, हमारे भारत सरकार, भारत के मोदी जी इस पर कोई बयान नहीं देते या कुछ नहीं कहते हैं, कानून बनाएंगे या कैसे भी निर्माण करवाएंगे, तब तक सब बात झूठी मानी जाएगी।